लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुछ ही वक्त रह गया है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार की शाम अपने नए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था। बता दें कि भाजपा ने अपनी 8वीं लिस्ट में कुल 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट पर सनी देओल की जगह दिनेश सिंह बब्बू को टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद से ही बब्बू का नाम चर्चा में आ गया है, तो चलिए आज हम आपको उनके बारे में बताते हैं। भाजपा नेता दिनेश सिंह बब्बू पंजाब के सुजानपुर सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। वो साल 2012 में पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं। बब्बू ने साल 2007, 2012 और 2017 यानी लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता। हालांकि साल 2022 में वो कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश पुरी से सुजानपुर सीट हार गए। इसके बाद अब भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उन पर भरोसा जताया है। दिनेश सिंह बब्बू अंडर ग्रेजुएट हैं और उनकी उम्र 62 वर्ष है। वो मूल रूप से पठानकोट के भंगौल गांव के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि दिनेश सिंह बब्बू ने भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वो पार्टी की ओर से जिला स्तर के विभिन्न राजनीतिक पदों पर रहे हैं।